आज आपकी तरफ ज्ञापन दिया गया है, किस तरह की मांग की गई है, क्या हमने सबसे पहले यही मांग की गई है कि जिस तरीके से हम पूरे राज्य से या इसी तरीके से ऑल इंडिया में से जहाँ जहाँ से भी हमारे कैडर्स को और हमारे लीडर्स को उठाया गया है गलत तरीके से, हम चाहते हैं कि सबसे पहले प्रशासन और शासन होश में आए और इस बात को गंभीरता से ले कि इस तरीके से किसी के भी घर पे छापेमारी करना आधी रात में ये संवैधानिक तौर तरीका नहीं है। तो हमारी मांग है कि उनको जल्द अज जल्द छोड़ा जाए और रिहा किया जाए। क्या अभी तक कोई जानकारी मिली है? अभी सडनली हमें ये खबर मिली है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो चार हमारे लीडर्स अब्दुल करीम साहब, इसी तरीके से जमील भाई, खालिद भाई और जावेद भाई, इन चारों को आज स्पेशल कोर्ट भोपाल के अंदर पेश किया गया। इसके आगे की जानकारी अभी प्राप्त हुई। क्या क्या सामने आ रहा है इसमें, किसको उनको? असल में ये तो पूरा प्रोपेगेंडा है और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधि में हम सम्मिलित हैं और अगर हमारे ऊपर इस तरह की शंकाएं हैं तो आपको पूछताछ करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का देश विरोधी काम ना तो साबित हुआ है और ना ही इसी तरीके से हम किसी गैर जिम्मेदाराना काम के अंदर इन्वॉल्व। टेरर फंडिंग का ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, टेरर फंडिंग का ऑफर, फंडिंग का क्या साधन होते हैं इसके? टेरर फंडिंग के अगर हमारे ऊपर ऑफर है तो ये ईडी जिसने ज्वाइन ऑपरेशन चला करके छापेमारी की है, इसी ईडी ने आज से एक साल पहले, एक साल के अंदर अंदर 3 मरतबा खुद अपना स्टेटमेंट चेंज किया है कि इनको इतने करोड़ रुपए की, 100 करोड़ से ऊपर अधिक की पहले फंडिंग की इंक्वायरी जारी रखी, फिर 68 करोड़ रुपए की फंडिंग की कार्रवाई की, फिर हमारे अकाउंट सीज किए गए, लेकिन किसी भी अकाउंट के अंदर 1 करोड़ तक का भी पैसा इन लोगों को हाथ नहीं लगा। आपने RSS को कठपुतली बताया है, नहीं क्या? हाँ, आज जो पूरे मुल्क में चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ये हम नहीं बतला रहे हैं, बल्कि ये तो पूरा दुनिया, पूरी इंडिया आज बतलाने के लिए कासिद हो चुकी है कि RSS जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है वो किस तरीके से अपना पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है, और कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत भी RSS की कठपुतली बनी हुई है, और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से RSS की कठपुतली बनी हुई है इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत इन एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना रही है। यहाँ आपने शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज कराया है, ज्ञापन दिया, लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो है काफी उग्र आंदोलन किए जा रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनके उग्र आंदोलन के पीछे क्या रीजन हो सकता है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम अपने राज्य की बात करते हैं, हम अपने राज्य के अंदर, हमें प्रशासन पर भी भरोसा है, इसी तरीके से हमें शासन पर भी भरोसा है और हमें न्यायालय के ऊपर भी भरोसा है, इसलिए हम न्यायपूर्ण तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा मोहम्मद जावेद नाम है और मैं भी उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद हूँ।